जानवी कपूर कुछ समय से सब्सटेंस वाले रोल कर रही हैं। मिली, मिस्टर एंड मिसेस माही और गुंजन सक्सेना ऐसे ही फिल्मों के नाम हैं। अब उनकी नई फिल्म उलझ जा रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया। ट्रेलर में कई मौकों पर रील और रियल वाली लाइन भी ब्लर होते हुए दिखती है। नेपोटिज्म की आड़ में जानवी कपूर के किरदार को ताना मारा जाता है। दरअसल जानवी ने फिल्म में सुहाना भाटिया का रोल किया। वो एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। ट्रेलर के शुरुआत में दिखाया गया कि सुहाना इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने वाली हैं। कुछ लोग उसे बधाई देते हैं, कुछ इस खबर पर अपने दांत भींचते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इंडिया की सुरक्षा से जुड़ी एक सीक्रेट जानकारी लीक कर दी गई है और वो ISI के सर्कल में घूम रही है। वो सीक्रेट किसने लीक किया, सुहाना इसी सबके बीच कैसे फंसती है, यही इस थ्रिलर फिल्म की कहानी लग रही है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान की जनता ट्रेलर देखकर खुश हो रही है। लेकिन फिल्म या एक्टर्स की वजह से बॉर्डर के उस पार से प्यार नहीं मिल रहा, उसकी वजह कुछ और है। 2 मिनट 33 सेकंड के ट्रेलर में 1 मिनट 20 सेकंड पर एक विजुअल आता है। दिखता है कि बहुत बड़ी रैली आयोजित की जा रही है, लहराते हुए झंडे नजर आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जलसा है। पार्टी रैली के लिए जलसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान अभी जेल में है। इस बीच उनके समर्थक इस ट्रेलर को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो इस फिल्म को देखने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप यूट्यूब पर अपलोड हुए उलझ के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों ने लाइन से कमेंट किए हुए हैं। हुआ ये कि किसी ने टिकटॉक पर ये फोटो शेयर की थी, उसके बाद से लोग उलझ के ट्रेलर को ढूंढ कर देखने लगे। कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हम सिर्फ PTI का जलसा देखने आए हैं। किसी ने लिखा है कि सिर्फ PTI के जलसा की तरह झलक देखने के लिए पूरा ट्रेलर देखा है। फिल्म में इस सीन का क्या रेलेवेंस होगा, इस पर अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान सरकार ने PTI को बैन करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अतातरान ने बीते सोमवार यानी 15 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि PTI पर बैन लगाने के फैसले के पीछे काफ़ी सबूत हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भेजा जाएगा। अगर हम उलझ की बात करें तो ये 2 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसे सुधांशु सारिया ने डायरेक्ट किया। जानवी के अलावा फिल्म में रोशन मैथ्यू, मियांग चैंग, गुलशन देवैया, राजेश तिलन, आदिल हुसैन और जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लालन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लालन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।